24 आवर्स टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। पूरा देश इस समय सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन बरेली में भाजपा नेत्री द्वारा निकाले गए जुलूस में उनके ही समर्थकों ने विवादित नारे लगाए, जिसके बाद पार्टी से लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और वीडियो की जाँच की जा रही है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जहाँ एक तरफ पूरा देश जवानों की शहादत पर आंसू बहा रहा है, तो वहीं एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर आप अपने गुस्से को रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बारे में हर तरफ गुस्से का माहौल है। वहीं बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बड़ी बात तो ये है कि नारा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता नाजिया आलम के भाई ने यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश सचिव नाजिया आलम खुद इसमें मौजूद थी। यह प्रदर्शन गुलाब नगर में ICF उत्तर प्रदेश की ओर से CRPF के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के वायरल हुए वीडियो में कुछ युवकों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए साफ सुना जा सकता है। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का एक बार नहीं बल्कि कई बार नारा लगाया जा रहा है। और साफ सुनाई दे रहा है। इस मामले में भाजपा नेता नाजिया आलम ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं SPCT अभिनंदन सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। एक वीडियो आया है संज्ञान में जिसमें कि कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर उसी वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं और इसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसके उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग उसमें करेंगे। बरेली से 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट।